जनपद के कैंपियरगंज थाने के अंतर्गत आने वाले मछली गांव पुलिस चौकी के परसौनी गांव में 6 अप्रैल को गेहूं के खेत में एक नर कंकाल मिला है। कपड़ों के पहनावे से 100 एक महिला का लग रहा है, जो 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव पूरी तरह क्षत विक्षिप्त है और जानवरों द्वारा इसको नोच लिया गया है, जिसे शव की शिनाख्त नहीं हो पा रहा है। आसपास के क्षेत्रों से शव की पहचान के लिए लोगों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी पहचान नहीं हो पाई। मौके पर पहुंची कैंपियरगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके संबंध में सीओ कैंपियरगंज और एएसपी राहुल भाटी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज व एएसपी राहुल भाटी ने कहा, दिनांक 6 अप्रैल 2021 को थाना कैंपियरगंज के मछली गांव चौकी के परसौनी गांव में गेहूं के खेत में एक नर कंकाल मिला है। कपड़ों से इसकी पहचान एक स्त्री के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया ये शव 15 से 20 दिन पुराना लग रहा है। चूँकि शव काफ़ी क्षत विक्षिप्त अवस्था में है और जानवरों के द्वारा इसको नोच लिया गया है, तो इस शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। आसपास के गाँव तथा आसपास के थानों में इसकी पहचान करवाई जा रही है। इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना का एवं मृत्यु का सही कारण पता लग पाएगा और पोस्टमार्टम होने के बाद ही मीडिया को फिर से अवगत करवा दिया जाएगा।